प्रेमनगर इलाके में एक दुखद हादसा हो जाता है जिसमें हम आपको बताएं कि करनाल पुलिस में ही एक रहे एक्स इंस्पेक्टर जो अपनी दोनाली बंदूक की सफाई कर रहे थे, अचानक गोली जल जाती है और गोली पेट में लगने के कारण उनकी मौत हो जाती है। अजय सिंह जिन्होंने सालों करनाल में जो है सर्विस दी उनका जो है दुखद उनकी मौत हो जाती है। थाना SHO समय हमारे साथ मौजूद है, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? पूर्व के रहे करनाल पुलिस के इंस्पेक्टर जिनकी दुखद मृत्यु हुई है, क्या कुछ जानकारी मिली है? जी हाँ, हमारे सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर थे, वो 2005 में रिटायर हुए थे और वो यहाँ प्रेमनगर में अपने मकान में रह रहे थे। तो वो अपने लाइसेंसी असला की जो बंदूक थी उसकी सफाई सफुई कर रहे थे, तो अचानक उनसे इतफाक से गोली चल गई और जो उनके ही लग गई। वो अकेले ही थे उस रूम में और उनका इलाज के दौरान फोर्टीज में उनका डेथ हो गई थी। तो बता रहे हैं कि चुनावों के दौरान बंदूक जमा ही कराई थी, अभी एक दो दिन पहले ही लेकर आए थे और सफाई करने लगे तभी हादसा हुआ। जी जी बिल्कुल, वो चुनावों के दौरान में जमा थी, थाने में ही जमा कराई थी उन्होंने हमारे रामनगर थाना में, तो वो तो एक दिन पहले ही लेके गए थे उसी लाइसेंस। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एक से दो दिन पहले ही जो है इस बंदूक को वह लेकर गए थे करनाल के रामनगर से। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर रामनगर थाना पुलिस जो है मौके पर पहुंच जाती है, मामले की तफ्तीश कर दी गई है। हम आपको बताना चाहेंगे गोली जो है 3 से 4 दिन पहले चलती है लेकिन मोहाली में जो है उन्होंने आज दम तोड़ दिया और इनकी बॉडी का जो पोस्टमार्टम है वो करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज या सरकारी हॉस्पिटल से जो पोस्टमार्टम हाउस है वहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। कमल मिंडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। एक बहुत ही दुखद हादसा हो जाता है जिसमें एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर की गोली चलने से खुद दुखद मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि सफाई कर रहे थे अपने हथियार की और उस दौरान जो है उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। समय जांच अधिकारी पवन कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। पवन जी क्या कुछ बताना चाहेंगे? दोनाली बंदूक की सफाई करते समय बता रहे हैं कि गोली चल गई, क्या मामला था सर? ऐसा ही मतलब बयान हुआ है और हालात से भी ऐसे लगता है। और कौन है, कहाँ पे रहने वाले थे? न्यू प्रेमनगर के रहने वाले हैं। तो अपनी ही बंदूक थी सर? हाँ, लाइसेंसी बंदूक थी। तो पहले कहाँ, करनाल पुलिस में पोस्टेड थे? ये नहीं पता, हरियाणा पुलिस में पोस्टेड थे, इंस्पेक्टर से रिटायर हैं। और रिटायर कब हुआ सर? पता नहीं। तो पोस्टमार्टम ऐसे कराया गया? हाँ, पोस्टमार्टम। तो एक गोली लगी है? वो 12 बोर थी मेरे ख्याल से, छरे वगैरह लगे थे। वो तो मोहाली में ही उसका इलाज रहता था ना। बिल्कुल, आप देख सकते हैं मोहाली रेफर कर दिया गया था और वहां पर दुखद हादसे में आप देख सकते हैं उनकी जान चली जाती है। हम आपको बताना चाहेंगे ऐसे बहुत से हादसे पहले भी जो है पेश आए हैं, बहुत से हादसे पहले भी पेश आए हैं और इस समय लाइव तस्वीरें करनाल के सरकारी अस्पताल स्थित जो पोस्टमार्टम हाउस है वहां से इस समय आप देख सकते हैं एक इंस्पेक्टर जो रिटायर्ड हो चुके थे करनाल पुलिस से, बंदूक की सफाई करते समय गोली चलती है और उनकी जो है दुखद मृत्यु हो जाती है। लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल स्थित पोस्टमार्टम हाउस से इस समय आप देख सकते हैं। एक दुखद हादसा हो जाता है, हम आपको बताना चाहेंगे कि करनाल पुलिस में ही इंस्पेक्टर के तौर पर रिटायर्ड रहे, बंदूक की सफाई करते समय एक गोली चल जाती है, गोली पेट में लगी है जिसके बाद 3 दिन उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है लेकिन मोहाली में बताया जा रहा है कि उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। जिस समय आप देख सकते हैं उनके बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में लाया गया जहां पर पुलिस जो है आप देख सकते हैं इस समय पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद जो उनकी बॉडी है वो उनके परिजनों को सुपुर्द करती हुई नजर आ रही है। हादसा बहुत ही दुखद हुआ। 23-24 तारीख की रात को जो है ये हादसा बताया जा रहा है। अजय सिंह जो करनाल पुलिस में इंस्पेक्टर के तौर पर उन्होंने काफी साल काम किया, रिटायर्ड हुए और उसके बाद आप देख सकते हैं काफी सालों से रामनगर प्रेमनगर इलाके में अपने घर पर रह रहे थे लेकिन 3 से 4 दिन पहले का यह मामला रात के समय बता रहे हैं कि अपनी दोनाली बंदूक से वह सफाई कर रहे थे, सफाई करते समय अचानक जो है बंदूक चल जाती है और पेट में जो है गोली लगने के कारण जो है आज 3 दिन बाद उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। और इस समय परिवार के जो लोग हैं वो इस समय करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल स्थित जो पोस्टमार्टम हाउस है वहां पर पहुंचे हुए हैं और पुलिस जो है पोस्टमार्टम कराकर जो शव है वो परिजनों को सौंपती हुई नजर आ रही है। कमल मिंडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।